पहले पार्ट में आपने देखा कि हम लोग मॉल में घूम घूम के थक गए थे और वीडियोस बना के भी थक गई थी मैं, और उसके बाद बेबी को भूख लगा था तो वो सीधा चले गए थे बर्गर किंग में बर्गर खाने के लिए। हम लोग लिटरली कहीं भी जाते हैं किसी भी मॉल में तो बर्गर किंग ही प्रिफर करते हैं, बिकॉज वो सस्ता और अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है। बट मैंने बोला कुछ अच्छा सा खाते हैं, तो बेचारे बेबी को मैं फूड कोर्ट में लेके आई। यहाँ पे रोज फालूदा खा रहे थे वो बैठ के, वो कुछ खास नहीं लगा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले। यहाँ पे एक प्लेटर था चाइनीज टाइप का जो हर आदमी ले रहा था, हर आदमी उसी को प्रिफर कर रहा था, तो हमने सोचा अच्छा होगा ले लेते हैं। ये हमको 400 का पड़ा था लिटरली, एक मिडिल क्लास आदमी को इतना इन्वेस्ट करके, और वो अगर अच्छा नहीं निकलता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। बेबी नहीं बताते हैं बट मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, क्योंकि मैंने ही उनको ये लेने के लिए फोर्स किया था। सही में बताऊँ ये नूडल्स में बिल्कुल नमक नहीं था, और जो मंचूरियन यहाँ दिख रहा है उसमें भर भर के नमक डाला था। उसके बाद बगल में जो हनी चिली पोटैटो उसमें केवल चीनी ही चीनी था, और मोमोज का बात ही मत करो। सो गाइस, हमने यहाँ पे वेज कॉम्बो प्लेटर लिया है, जिसमें यहाँ पे है ये पनीर मंचूरियन, हनी चिली पोटैटो और वेज मोमोस, वेज नूडल्स और पिकल। फिर सब लोग यही ले रहे थे तो हम लोगों ने भी यही लेने का डिसाइड किया, और ले के टेस्ट कर रहे हैं तो उतना खास नहीं लग रहा है ना? आपको इसमें क्या पसंद आया? ये बेबी को ये वेज मंचूरियन नहीं, पनीर मंचूरियन पसंद आया है। मुझे भी मतलब ठीक ठाक ही लगा वेज मंचूरियन, बाकी सब नॉर्मल है, खास नहीं है। और इससे अच्छा होता कोई सब्जी और नान ले लिया होता या बिरयानी। हम लोगों ने रोज़ फालूदा खाया था, वो भी ठीक ठाक था, उससे अच्छा फालूदा मैंने स्ट्रीट साइड खाया हुआ है। और ये प्लेटर उतना खास नहीं है, तो आप आएंगे तो इंडियन फूड ही प्रिफर करना। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और ज़्यादा लोग भी ले रहे थे तो हम लोगों ने यही चूज किया, बट अच्छा नहीं। गाइस, बाहर जाके आप एक अच्छा खाना एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली हम लोग, बिकॉज हम लोगों को आसान नहीं है कहीं भी मॉल में घूमना, बिकॉज हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं एकदम नेचुरल एरिया में, जहाँ पे आसपास कोई मॉल नहीं है। दूर दूर 20-30 किलोमीटर तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद, आप पैसे खर्च करने के बाद, थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है कि खाना अच्छा हो, आपको अच्छा खाना दे, बट वो भी टूट जाता है तो एकदम डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। बेबी पूरा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, हम लोग वो बेचारे लेने के लिए तैयार नहीं थे, बोल रहे थे पता नहीं कैसा होगा, उनको चाइनीज़ खाना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बस नूडल्स पसंद है, उस हिसाब से मैंने नूडल्स देख के लिया था। वो प्लेटर खाने के बाद बहुत हास हो गए थे, पेट भी नहीं भरा था उनका मेरा भी, और खाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो पता नहीं किमची सलाद क्या था, उसको खा के इतना तीखा लगा कि जो चॉकलेट्स लेके आए थे पूरा ही खा गए, ख़त्म कर गए बिना इंजॉय किए। और ऐसा ही बोलते हैं ना, ऊंचे मकान फीके पकवान, ऐसा ही निकला वो। रेडी शाम हो गया था, 5:30 बज गए थे, हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आके देखा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा ये मॉल। एंड हम जैसे लोगों के लिए आई प्रिफर कि जो खाना पीना भी चाहता है, घूमना भी चाहता है सस्ते में, उसको बहुत सारे मॉल्स हैं बैंगलोर में, जो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, हम लोग बताएंगे। हम लोग मीनाक्षी मॉल गए थे, वो सही में बहुत अच्छा था, भले ही वहाँ पे मूवी देखा हमने किसी का भाई किसी की जान, एंड इट वाज नॉट फॉर द फॉल्ट ऑफ द मॉल, बिकॉज वो मूवी उनका नहीं था, सलमान खान का था, ऑब्वियसली वो देख के अच्छा नहीं लगा, बट मॉल में ओवरऑल एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत अच्छा था।
1:30 को आए थे और 1:30 को उतना भीड़ भाड़ नहीं था, कोई भी उतना ज्यादा लोग नहीं थे, बस आसपास के अपार्टमेंट्स के लोग थे। बट शाम में बहुत ज़्यादा लोग आना स्टार्ट हो गए थे, जो आसपास के घरों में रहते हैं अपार्टमेंट्स में, वो आना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे एक कॉन्सर्ट चल रहा था उसको देखने के लिए, बट हम लोगों को जाना था घर, बिकॉज हम लोगों का घर 3 घंटा दूर था और हम लोग निकल गए थे। पार्किंग फीस में उसने चीटिंग करके 20 रुपया ज़्यादा ले लिया था बेबी से। मैंने बोला भी था कि इतना नहीं बनता, फिर घर आके हिसाब किया तो 110 होता था, उसने 130 लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना लग्जूरियस मॉल का सो कॉल्ड रेपुटेशन खराब हो जाएगा। एंड कोई बात नहीं, 20 रुपये हम लोगों के लिए था, एक माइंड में इंप्रेशन छोड़ जाता है कि ऐसा किया था हम लोगों के साथ। और एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करने के चक्कर में हम लोग आ गए थे यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ। लिटरली इतना ख़राब खाना था कि हमको उठ के दूसरे रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। जब आप देख रहे हैं ना, ये दूसरा रेस्टोरेंट है और वो दूसरा था। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी बज रहा है 10। हम लोग गए थे 10 बजे ना, 12 घंटे हो गया बाहर चढ़ गए हुए। हम लोगों ने एक्चुअली मॉल में कम घूमा गाइस, बट बेबी ने गाड़ी चलाया और ट्रैवलिंग और ड्राइविंग ही बहुत हो गया हम दोनों का, और इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गए हैं ना बेबी। और बेबी इतना ड्राइविंग किए हैं, वाइट फील्ड हमारे एरिया से कितना दूर है, 36 किलोमीटर है, जाना आना मिला करके 72-75 किलोमीटर हो जाएगा घर तक आने तक, 80 मान लो। इतना दूर ड्राइविंग करके दोनों बैठे बैठे भी थक गए, ड्राइविंग करते करते भी थक गए, बहुत कमर और पीठ में दर्द हो रहा है, पैर भी दर्द कर रहे हैं। और गाइस ये वाला मॉल ठीक ठाक लगा हम लोगों को, हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था इसके बारे में, बट उतना कुछ खास नहीं है, सारा चीज़ मिल जाता है एक जगह पे, और इवेंट्स भी नहीं हो रहे थे ज़्यादा। हम लोग इवन ओरियन मॉल गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा इवेंट चल रहा था, हम लोगों ने गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया, विभिन्न प्राइज जीता, सब कुछ किया, कूपन जीता। यहाँ पे वो सारा चीज़ नहीं हो रहा था, आई डोंट नो कभी और होता होगा। तो गाइस हम लोगों ने खाने में लंच में लिया था वेज कॉम्बो प्लेटर ऐसा कुछ था, सोचा कि सारा चीज़ एक ही जगह मतलब मिल जाएगा एक ही प्लेटर में तो दोनों का भूख मिट जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लोगों ने मोमोज बिल्कुल नहीं खाए, मोमोज हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिए। मंचूरियन में बहुत ज़्यादा नमक था, मुँह में रख रहे थे तो एकदम नमकीन लग रहा था, और वो पोटैटो चिल्ली में एकदम मीठा था वो, बहुत ज़्यादा अनइवन टेस्ट था, बैलेंस कुछ भी नहीं था उसमें। और नूडल्स का बात ही मत करो, लग रहा था उबाल के रख के दे दिया है बस, कोई मसाला कुछ भी टेस्ट नहीं था इवन उसमें, इवन उसमें कोई वेजिटेबल्स भी नहीं डाला था, सब बर्बाद हुआ। और उसका प्राइस था 398, मतलब 400 का प्लेटर था और वो पूरा बेकार था, कोई फायदा नहीं उसको लेने का। तो आई प्रिफर कि अगली बार हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो हम लोग इंडियन फूड खाएंगे, रोटी या चावल जो भी मिलता है वो खाएंगे, इस सबको प्रेफर नहीं करेंगे अगली बार से। और एक फालूदा लिया था रोज वाला, वो भी एकदम मतलब बिल्कुल बेस्वाद था, मतलब खाने में उससे अच्छा तो यहाँ पे रोड साइड ठेले में मिल जाता है अच्छा अच्छा फालूदा, बिल्कुल अच्छा नहीं था गाइस। मॉल में कुछ भी खाने को अच्छा नहीं था। हम लोग बर्गर किंग में गए थे, लेकिन मैंने बेबी को बोला कुछ अच्छा सा खाते हैं, बर्गर खा के पेट नहीं भरता है, तो जाके वहाँ पे पैसे वेस्ट हो गए। फिर हम यहाँ पे आते आते हम लोगों के साथ दिन भर ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है, हम लोगों ने मतलब यही सब कुछ झेला है दिन भर। वहाँ पे गए आते आते लाइम सोडा पिया, वो भी एकदम बेकार था, पूरा सोडा डाल के दिया। अब हाँ जाने के टाइम पे बेबी ड्राइविंग कर करके थक गए थे, हम बैठ बैठ के मेरा बैक पेन हो रहा था, तो सोचा लेमन सोडा मिल रहा है। और वाइट फील्ड बहुत ज्यादा महंगा एरिया है गाइस, तो वहाँ पे 10 रुपए का वाइट फील्ड में वो महादेवपुरा में था वो फोनिक सिटी एरिया है, तो वो पूरा वाइट फील्ड महंगा होगा हमें लगता है वो स्टेडियम में, क्योंकि आईटी का कंपनी वहाँ पे सैमसंग माइक्रोसॉफ्ट और क्या था डेल, ये सारा बड़ा बड़ा कंपनी था। और हर चीज का प्राइस यहाँ पे लाइम सोडा 10 रुपए मिल जाता है जितने कप में वो दिया था, वहाँ पे 30 रुपीज का मिला, और हर चीज का बहुत सारा महंगा महंगा मिल रहा था वहाँ पे। मुझे लगा पूरा का पूरा एरिया ही महंगा है, जो भी है महंगा है, दे रहे हैं तो अच्छा खाने का भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसे दे के ले रहे हैं तो, लेकिन टेस्ट वाइज कुछ भी उतना खास नहीं था, उससे अच्छा तो हम लोगों का एरिया है। और लाइम सोडा भी वैसा ही था। मॉल में गए और वहाँ पे खाना लिया प्लेटर, वो भी वैसा ही था, फालूदा भी वैसा ही था। आते समय हम लोगों ने नारियल पानी लिया
पहला वाला ठीक था। नहीं, वहां पे लिया ना मॉल में। एक्चुअली गाइस मॉल में नारियल पानी बेच रहा था, हम लोगों ने बोला कि थोड़ा पतला वाला नारियल जो होता है अंदर उसका, वो वाला दे दो। उसने बोला हाँ है। फिर उसने हमको यही बोल के दिया कि अंदर पतला वाला नारियल मिलेगा। फिर पीने के बाद उन्होंने बोला कि ये काट के नहीं दे सकते, केवल पीने के लिए पानी था। तो फिर फायदा ही क्या हुआ बोलने का कि अंदर नारियल है, आप लोग ले सकते हैं इसको। तो ऐसे थे, मतलब डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट मिला हम लोगों को। बट आते समय हम लोगों ने नारियल पानी पिया, और उसका नारियल कहाँ है बाबू, इतना मोटा मोटा नारियल है, आप लोगों को दिखाते हैं। नारियल पानी पीने का फायदा ये हुआ कि उसके अंदर इतना मोटा नारियल था जिसका चटनी बन जाता है घर पे। तो हम लोग चटनी बनाने के लिए फिर से लेके आ गए। और उसके बाद फिर एक रेस्टोरेंट में गए, जो रेस्टोरेंट ट्राई करने के नया रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए हम लोग फिर से नए रेस्टोरेंट में गए। हम लोग एक एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे सारा खाना अच्छे से मिलता है, एकदम बेस्ट क्वालिटी और अच्छे प्राइस वाइज रहते भी। तो हम सोचे अलग ट्राई करते हैं, तो बेबी के पहचान में एक रेस्टोरेंट था, वहां पे गए। वहां पे बिरयानी लिटरली ऐसा, हम मैंने शूट करके डाला है उस रेस्टोरेंट का वीडियो, वो भी देखना। फिर चेंज करके दूसरे रेस्टोरेंट में हम गए हैं, वो भी देखना। और क्या था वहां पे गए, हम लोगों ने हैं। रोटी बोला कि वो मैदे का परोठा, केला परोठा कुछ है। हम लोगों को इतना थक के आए थे, हम लोगों को मैदे का कोई भी चीज खाने का मन नहीं कर रहा था। हमने बोला गेहूं का रोटी है तो दो, वरना चावल लेके आ जाओ। हम लोगों ने मशरूम और पनीर बिरयानी दो दो अलग ऑर्डर किया था, मशरूम बिरयानी और पनीर बिरयानी। सबसे पहले पनीर बिरयानी लाके दिया, वो लिटरली इतना, मतलब क्या बोले हम, मतलब खाने को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो खाने लायक नहीं था। हाँ, मैं जैसे घर पे वो पूरी डाल के ऐसे चित्राना टाइप का बनाती हूँ, उसके सामने भी फेल था वो। उसमें पनीर पनीर ऐसा था कि खट्टा खट्टा था। बेबी को भी मैंने बोला, फिर बेबी हमेशा शाय टाइप के पर्सन है गाइस, वो किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब कुछ भी गलत भी होता है तो एडजस्ट करके खा के उठ के आते हैं। लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं, मैं अपोजिट हूँ, मुझे जो लगता है सामने जो भी खड़ा है मैं सब बोल देती हूँ। तो मैंने वहाँ पे जो सर्व कर रहा था, जो वहाँ पे काउंटर पे था जो कैश कलेक्ट कर रहा था, उसको बुलाया और बोला कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पनीर खट्टा है, और ये पनीर खट्टा तभी होता है, तो बहुत दिन तक रखते हैं तो तभी खट्टा होता है, अच्छा नहीं है। आप जो मशरूम बिरयानी मैंने बोला उसको कैंसिल कर दीजिए। फिर उसने बोला नहीं नहीं अगर ठीक नहीं तो मत खाइए, आप मशरूम बिरयानी ट्राई करिए। फिर उसके बाद मशरूम बिरयानी आया, वो भी एवरेज था, ऐसे लग रहा था वो बिरयानी नहीं था, चावल अलग से बना के कुछ फ्राई करके दे दिया है ऐसे टाइप का था, बहुत अच्छा नहीं था बिल्कुल, मतलब उसको बिरयानी बोल नहीं सकते, आप समझ लो बस। फिर हम तुरंत खा के ऐसे ही बिना मन के उठ के आ गए, और वही रेस्टोरेंट में के जो हमेशा जाते हैं, वहां पे फिर अपना फेवरेट मशरूम बिरयानी फिर से लिया। रोटी खाने का मन नहीं था और जल्दी से घर भागना था, और खा के अभी अभी घर पे आए, अभी आके 10 बजे मैंने दिया जलाया और बेबी और मैं फ्रेश हो गए हैं। चाहे कितना भी अच्छा जगह पे चले जाओ, दिन भर घर पे आके अच्छा लगता है ना, घर पे आके लगता है ये मेरा स्पेस है, यहाँ पे कुछ भी करो। वहां पे मैं क्या बताऊं गाइस, वहां पे जा रहे थे तो कोई बोल रहा था शूटिंग मत करो, कोई बोल रहा था इधर मत बैठो, कोई बोल रहा था यहाँ पे ये मत खाओ, इतना रिस्ट्रिक्शन था। फोनिक सिटी मॉल में एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि ऐसे होगा, और मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था उसका, इसीलिए मैंने बेबी को बोला चलते हैं चलते हैं। वहाँ पे कुछ जैसे टॉयज टाइप का था, छोटी लड़की बोल रही थी कि आई एम इन द फोनिक सिटी मॉल, तो इसीलिए मैं जाने का देख रही थी, तो वो भी कुछ भी नहीं था वहां पे। आपको कितना, 10 में से कितना रेटिंग देंगे फोनिक सिटी, फोनिक्स मार्केट सिटी मॉल को? 7 देंगे। सब कुछ था गाइस वहां पे, औरतें बैठ के सिगरेट पी रही थी, बियर पी रही थी, और हाँ, बियर था 800 रुपीज दारू वाला में। पीता है उसके लिए अच्छा था, पार्टी हाँ साथ हाँ में जो क्लब लब थे, बार बार थे। हाँ, हाँ 699 में 90 मिनट अनलिमिटेड बियर फ्री ऐसा कुछ था। हाँ आज का ऑफर था 699 में 90 मिनट्स तक अनलिमिटेड बियर फ्री। और सरप्राइजिंगली वो सारा ऑफर सारी फीमेल से अवेल कर रही थी, मेल ज्यादा मैं जहां पर भी देख रही थी कोई भी आदमी बैठ के बियर नहीं पी रहा था, सिर्फ फीमेल्स बैठी थी, है ना। और फीमेल्स इवन बियर पी रही थी और सिगरेट भी पी रही थी। हाँ उनका मर्जी है, बट हम लोग ऐसे माहौल में रह के हमको आदत नहीं है, बट देख के अजीब लगा, और हम लोग तुरंत बाहर निकल गए। इवन छोटा मोटा ओरियन मॉल गए थे तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था वहां पे, बेबी ने और हमने कपल्स वाला गेम खेला, बेबी ने अकेला गेम खेला, गेसिंग वाला खेला, प्राइजेस कुछ कुछ बैंड जीते, अच्छा था। आज का दिन उतना खास नहीं था, बट आई होप आप पूरा वीडियो देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।